सरकार ने पूरे शहर को एक तरीके से धीरे धीरे करके लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। पहले स्कूल, कॉलेज, पार्क्स, म्यूजियम, इन तमाम चीज़ों को बंद किया गया, तो अब पटना के तमाम जो बड़े मॉल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के दरभंगला चौराहे पे स्थित वन मॉल के बाहर में, और ये पटना का वन मॉल है। और इस वन मॉल में कई सारी दुकानें हैं, फूड कोर्ट्स हैं, कई सारे दफ्तर हैं और ऊपर में रेस्टोरेंट्स हैं। तमाम चीज़ों को एहतियातन जो है वो बंद कर दिया गया है। सरकार की जो का जो निर्देश है, जो एपिडेमिक एक्ट बिहार में इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके मुताबिक बिहार में सरकार की तरफ से इन तमाम जो बड़े जो मॉल्स हैं, इस तरह की जगहें हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, उन तमाम चीज़ों को बंद किया गया है। सबसे खास बात ये कि सरकार ने इन तमाम जगहों को एहतियातन 31 मार्च तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया है। लिहाजा पटना की बात करें तो पटना के जो करीब दर्जन भर छोटे और बड़े मॉल्स हैं, उन तमाम मॉल्स को भी इस तरीके से बंद किया गया है ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भीड़ ना पहुँच पाए। ये हिस्सा जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो एंट्रेंस पॉइंट है इस मॉल के अंदर दाखिल होने का, और उसको एक तरीके से बंद किया गया है। सिर्फ चुनिंदा जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेंटेनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम लोग बस यहाँ पर हैं, लेकिन आम जो आवाजाही है उसको पूरी तरीके से जो है वो बंद किया गया है। सबसे खास बात ये कि पटना की बात करें तो पटना के इन मॉल्स में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन क्योंकि सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरीके से पहले तमाम स्कूल, कॉलेज और पार्क्स बंद किए, उसके बाद जो जैसे ही एपिडेमिक एक्ट इम्प्लीमेंट होता है उसके बाद सरकार की तरफ से तमाम जो मॉल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में इन मॉल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं उसको भी बंद किया गया, जो दफ्तर हैं उनको भी बंद किया गया है, और साथ साथ जो शॉपिंग सेंटर्स हैं इन मॉल के अंदर में, उन तमाम चीज़ों को बंद किया गया। आप लोग कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। घूमने आए थे? नहीं, सर्विस सेंटर में काम था। अच्छा, तो यहाँ क्या है, तो क्या पता चला? यहाँ तो पता चला कि बंद है। देखिए परेशानी हो रही है। और कहाँ से आए आप? बिहार से, उधर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। तो क्या किसी काम से आए थे? जी हाँ, सर्विस कह रहे थे यहाँ रियलमी का। अच्छा, और लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि बंद है। हाँ, नहीं चालू है अभी फिलहाल, चालू अभी चल रहा है। अच्छा, वो चले तो कुछ वो देर बाद बोला बंद हो जाएगा। अच्छा, कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, यानी कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं। आप कहाँ से? दरभंगा से। यहाँ क्या घूमने आए थे या किसी काम? घूमने आए थे। तो आए तो क्या पता चला? बंद है। तो निराशा हाथ लगी? जी जी। तो देखिए ये लोग हैं जो इक्का दुक्के जो लोग नज़र आ रहे हैं, वो तमाम लोग साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अलग अलग जगहों से किसी न किसी काम से कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि सरकार के आदेश के बाद पटना के जो तमाम मॉल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है 31 मार्च तक के लिए, और इस लॉकडाउन की वजह से जो लोग हैं थोड़े परेशान हैं, लेकिन सरकार ने ये कदम उठाए हैं लोगों को बचाने के लिए ताकि लोग कोरोना वायरस की चपेट में ना आ सके। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।